हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको झारखंड का मशहूर और बहुत ही फेमस धुस्का की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये एक पतीले में हम 2 ग्लास चावल लेंगे। ये नॉर्मल अड़वा चावल है, ज़्यादा महंगा और ज़्यादा खुशबूदार नहीं। जनरली ये डोसे के लिए यूज़ किया जाता है, इडली बनाने वाला ये वही चावल है। 2 ग्लास मैंने चावल लिया है। अब इसमें मैं चने की दाल डालूंगी 1 ग्लास, और इसमें मैं उड़द की दाल डाल रही हूँ 1/2 ग्लास। इससे हमारे धुसका थोड़ा करारे बनेंगे, इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर आपको सॉफ्ट धुसका चाहिए तो आप नहीं भी डालें, बट ये अच्छा होता है, थोड़ा खमीर बनता है इससे। तो 1/2 ग्लास मैंने लिए हैं ये उड़द के दाल। चावल डबल है, उसका जस्ट हाफ है ये चना का दाल, और उस चने के दाल का भी जस्ट हाफ यानी 1/2 ग्लास है उड़द का दाल। अब मैं इसे 4 से 5 घंटे पानी में भिंगो के छोड़ रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा तो फिर इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में पीसकर। तब तक मैं इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे 4-5 घंटे बाद। देख सकते हैं आप, 5 से 6 घंटे हमने इसे फुला लिया है। इस तरह से ये पूरी अच्छी तरह से पानी में फूल चुके हैं। अब मैं इसे मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस, 2 टीस्पून ऑलमोस्ट डाले हैं मैंने। ये हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के पतला करूँगी। वो मैं बनाते वक्त ही करूँगी पतला, क्योंकि तलते वक्त पता चल जाएगा। एक चुटकी मुझे बेकिंग सोडा भी डालना है, इसीलिए अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। पहले मैं जाती हूँ चने की सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद फिर इस धुसके को मैं पुए की तरह तलूंगी, जैसे आप छोटे छोटे पुए तलते हैं इस तरह से डाल के तेल में, वैसे ही इसकी छोटे छोटे से पुए बनेंगे। देखिए 5 से 6 घंटे के बाद यह इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा और खमीर जैसा बन चुका है, और इसमें अच्छा खासा खमीर हो चुका है। अब इसमें ना बेकिंग सोडे डालने की ज़रूरत है ना पानी। अगर जल्दीबाजी में बनानी होती तो फिर मैं सोडा डालती, लेकिन जब आपका ऐसा हो जाए खमीर तो आप सोडा ना डालें, आप इसको पुए की तरह तलें। ये बहुत अच्छा जालीदार धुसका बनता है और बहुत ही करारे करारे खाने में भी लगेंगे। ये इस तरह का बैटर आपका रेडी हो जाना चाहिए। आलू और चने की सब्जी ही इसके साथ कॉम्बिनेशन है, तो मैं सबसे पहले आलू चने की सब्जी बनाना बता रही हूँ। 1 कप मैंने सरसों का तेल लिया है, इसमें जीरा का फोरन डालूंगी मैं। आप चाहे तो पंचफोरन भी डाल सकते हैं, ये टोटली आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। ये गर्म हो चुके हैं, इसमें मैं बाकी की फोरन डाल रही हूँ, लाल मिर्च, तेज पत्ते, कटे हुए प्याज और टमाटर। प्याज को हल्का सा लाल करना है, बिल्कुल गोल्डन कलर का। थोड़ी
थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं चीनी। ये छोटे छोटे चने हैं, काले चने जिसे बोलते हैं। अब इसमें डाल देंगे मैं नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। सेंधा नमक है तो ये ज्यादा लगेगा, आप थोड़ा कम डालें। अब इसमें थोड़े हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर, फोर टीस्पून ले रही हूँ मैं धनिया का पाउडर, उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, मिक्स मसाला 3 टीस्पून। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़े से मैंने इसमें अनियन भी पीसा है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ग्रेवी बनता है, थोड़ा थिक बनता है, तो मैं ये कम से कम फोर टीस्पून डाल रही हूँ ताकि हमारा ग्रेवी अच्छा बने। मैंने प्याज अदरक और लहसुन इक्वल मात्रा में डाला है मसाले में। इस तरह से जब तेल छोड़ दे मसाला तो आप समझ ले कि यह पूरा प्रॉपर तरीके से यह हमारा मसाला अच्छे से पक चुका, ऑयल रिलीज हो चुकी है अच्छे तरीके से, इसका मतलब हमारा मसाला पूरी तरह से भुन चुका। प्रॉपर रोस्ट हो चुके हैं मसाले हमारे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू इस तरह से हल्का मसल के, जिससे हमारा आलू चने का सब्जी थोड़ा थिक बनेगा, यानी इसका ग्रेवी गाढ़ा बनेगा और यह एक प्रॉपर धुसके की सब्जी की रेसिपी है। ये हमारा 1.5 गिलास पानी इसमें कम से कम आएगा। अब इसे हम 15 मिनट कम से कम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और 5 मिनट बाद पूरी तरह से कम करके गैस को
ये हमारी चने की सब्जी आलू चने की रेडी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, दो तीन पिंच